ये मार्केट में 5 रुपए बिकती है, यहाँ से आप उनसे कोई लेगा हम 4 रुपए की देंगे। हाँ तो भैया बता रही है आपको 4 रुपए देंगे, मार्केट में भाग 5 रुपए की है। दोस्तों कैसे सारे बढ़िया मित्र है। दोस्तों आज जा रहे हैं एक मस्त व्लॉग बनाने आप लोगों के लिए, और आज का जो व्लॉग होने वाला है वो चीपेस्ट काइट मार्केट के लिए होने वाला है, और आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें मेरे साथ। आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और बहुत चीपेस्ट प्राइस में दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं मेरी वीडियो कैसे, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, सो गाइस गाड़ी स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं गियर और चलते अपने मंजिल की ओर। ऐसे वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा हो रखा है, पूरा स्काई ब्लू हो रखा है एकदम, मतलब आज राइड पे निकल के मजा आ रहा है कि आज अच्छा लग रहा है कि आज अच्छी वीडियो बनने वाली है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सदर बाज़ार और हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है, क्योंकि लालकुआ जाने तक यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ तक गाड़ी ले जा पाऊँ, और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो सोचा मैंने कि मैं अपनी गाड़ी ही पार्क करूँ और यहाँ से वॉक करते हुए या फिर बैटरी रिक्शा लेके जाऊँ मैं, तो देखता हूँ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर बैटरी रिक्शा के लिए अगर वहाँ पर स्पेस होगा तो हम बैटरी रिक्शा जाएंगे, और नहीं तो अदरवाइज़ हम पैदल ले आएंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना लाल मार्केट में, और शॉप का बताऊंगा नाम तो आपको, NS काइट मार्केट है, और भैया से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या रेट्स हैं यहाँ पे काइट्स के और मांझे के। भैया का दुकान का नाम है NS काइट मार्केट, और शॉप नंबर 1784 है, तो आप ये नोट कर लें और ये आप यहाँ पूछ के आ सकते हैं आराम से। भैया आपका नाम? मेरा नाम नसीम है। वसीम जी हैं, वसीम जी बताएंगे आज कि क्या पतंगों का रेट है और मंजे के क्या रेट है, कौन कौन से पतंगे रखते हैं और किस किस वैरायटी की होती है और क्या क्या प्राइस है, सब भी बताएंगे। द होल सेल भी और सिंगल भी कोई आएगा तो वो भी ले सकता है। तो भैया मुझे बताइए पहले कि होल सेल में क्या प्राइस है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है? नहीं, होल सेल में पतंग की जो प्राइस है वो सबसे कम रेट 65 रुपये 100 पतंगे। अच्छा, कागज़ की और वो पन्नी दोनों की? पन्नी की हैं वो, मार्केट में 1 रुपये की सेल होती है, और उसके बाद शुरू होता है 2 रुपये वो पतंग बढ़ेगी यहाँ आपको 100 रुपये की शॉप। अच्छा, आगे 2 रुपये की मिलती है। अच्छा, आगे 2 रुपये की मिलती है, ऐसी पन्नी में बढ़ती चली आएगी। अच्छा, मतलब मिनिमम कितनी पतंग है अगर कोई होलसेल में लेना चाहे तो कितनी ले सकता बंदा? आप 200-300 पतंग में ले जाएंगे होलसेल में, और मतलब मिनिमम 100 तक तो आप देंगे, उससे कम नहीं देंगे। हाँ, 100 से कम नहीं देंगे। तो आप लोग पहले देख लें कि आप 100 से कम ना लें, 100 से ऊपर ही लें, और तभी भैया डिस्काउंट अच्छा मिलेगा आपको, अदरवाइज सिंगल में आपको कम रेट का 2-3 रुपये के हिसाब से मिलेगा, तो आप लोग देख लें। इसके अंदर बहुत से लोग क्या है कि बरेली की पतंग को भी इसी रेट में करते हैं, जो उड़ान वाली पतंग होती है अच्छी, उसकी रेट अलग होती है। ओके ओके, बरेली की क्वालिटी आप देखिए ये होती है सबसे बढ़िया क्वालिटी। अगर आप बरेली की पतंग है और ये मार्केट में 5 रुपये बिकती है, यहाँ से आप उनसे कोई लेगा हम 4 रुपये की देंगे। हाँ तो भैया बता रही है आपको 4 रुपये देंगे, मार्केट में भाग 5 रुपये की है, ये 7 रुपये बिकती है हमारे यहाँ पे, 5 रुपये की मिलेगी आपको। ये भी बरेली की है? बरेली, ये भी बरेली का है भैया, दुकान में 5 रुपये की और भाव जाएंगे वो 7 रुपये की मिलेगी, और क्वालिटी अगर हम इसकी बात करें बहुत अच्छी क्वालिटी है, सीकापत होता है इसका, सीकापत
सिका हुआ तिल्ला होता है, छील के बनाया जाता है। ये छिला हुआ तिल्ला इनका मतलब इसका ये जो होता है ये लोकल तिल्ला होता है। और जो ये लोकल पता हम देखेंगे इनका तिल्ला बहुत ही पतला होता है, बहुत जल्दी मुड़ जाता है, टूट जाता है। तो अगर आपको जिस तरह आपको बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं, आपको महंगी लेनी हो तो आप ये ले सकते हैं बरेली की, और सस्ती भाई ये आप ले सकते हैं। ये भी आपका छोटा साइज होता है। सबसे कम रेट में आप पन्नी की ले सकते हैं 65 पैसा, ये आपकी पतंग है। बाकी भैया सुपर महंगी महंगी दिखाएंगे। और ये 100 रुपए है भैया। 100 की 100 है, ये 130 रुपए की 100 है, ये 130 की 100 है। और इसमें कार्टून बच्चे आजकल ज्यादा इसको, हाँ ये कार्टून भी हैं। ये 240 रुपए की 100 पतंग पड़ती है, ये 240 रुपए की 100 पतंग है। हाँ तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की हैं, सारी अलग अलग वैरायटी भी हैं। 10 डिजाइन आते हैं बच्चों के, 10 डिजाइन आते हैं बच्चों के। आप देख सकते हैं बीम का भी है। हाँ भाई हो ठीक है भैया। और तो कुछ नहीं, जो भैया बता रहे हैं आप सुनते रहे और उनको सुन के आप यहाँ पर आए और जरूर आए, और काफी सारी वैरायटी यहाँ पर है आप ले सकते हैं। पांडा मंजर, ये पांडा मंजा और खींच के लिए होता है। और भैया दारे बहुत ही अच्छा, ये बरेली का है, बरेली सारे इनके पास बरेली के चीजें हैं। कोई यहाँ पे लोकल, कोई डुप्लीकेट कोई नहीं, चाइनीज कोई नहीं है, सब बरेली के जेन्युइन माल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आए और यहाँ पे विजिट करें भैया दुकान में, और सामान ले जितना भी आपको अच्छा लगे। उसका रेट, इसका रेट क्या रहेगा भैया? ठीक है। तो भैया बताइए हमें कि आपकी शॉप कितनी पुरानी है और कब से है? ये हमारी शॉप 15 साल पुरानी है। अच्छा, और यहाँ पर हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं और अच्छा मजा बेचते हैं यहाँ पर, और अच्छी क्वालिटी बेचते हैं। तो आप इस सीजन में आते होंगे? सीजन पे लगती है पूरी मार्केट। अच्छा, तो उसके अलावा क्या क्या काम होते हैं दुकान में? इसके अलावा तो बंद हो जाती है। अच्छा, बंद हो जाती है। तो फिर आगे कुछ और काम कैसे चलता है, मतलब आपके घर का कैसे होता है? जैसे हमारा 12 महीने पतंग बनती है। अच्छा, 12 महीने पतंग बनती है, और सिर्फ पतंग में टाइम? पतंग में। अच्छा, सीजन बेचते हैं जैसे जयपुर होती है। अच्छा, अब अलग अलग स्टेट में जाके बेचते हैं? जी 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 भैया, अलग अलग स्टेट में जाके बेचते हैं, और बहुत अच्छी पतंगे बनाती है, पूरे साल पतंग ही बनाते हैं। और भैया और शॉप में जो दुकानें खुली हैं उनको भी आप प्रमोट कर सकते हैं? उनको भी सबका अपना अलग अलग, सबका अपना कारखाना है और सबके अपने शॉप है, और सब अपना अलग अलग एरिया में जाके अभी सेल कर बेच देते हैं। जैसे आप 2-4 दिन टाइम कम लग गया हो तो लगा रहता है बढ़िया, जैसे लोग लेके जाते हैं ना। हाँ, जैसे वो बाहर दुकान में लगाते हैं, होलसेल का रेट है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपको लास्ट में शॉर्ट दे दूंगा सारे चीज़ का। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करके जरूर जाएं वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय। Thank you.